अभी आपने देखा रिप्रोडक्शन के टाइप्स, अब हम चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ह्यूमन विविपेरस ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया जाता है। विविपेरस मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन के लिए मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा ह्यूमन को किस कैटेगरी में मेंशन किया जाता है, ह्यूमन को विविपेरस ऑर्गेनिज्म। विविपेरस ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ करते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन में जो नई प्रोजेनी आती है वो डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ के थ्रू आती है, इसलिए ह्यूमन को आप किस में मेंशन करेंगे, विविपेरस में। एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है कि इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स एंड ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आप दो पार्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी चैप्टर के दो सेक्शन होंगे, आप समझिए थोड़ा सा, चैप्टर के दो सेक्शन होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ओवरऑल जितने भी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेल में गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ गैमीट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां तक हम डिस्क्राइब करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर अगले पार्ट में हम, यानी चैप्टर का अगला सेक्शन आप मान सकते हैं, चैप्टर के अगले सेक्शन में हम मेंशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, गैमीट का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर का थर्ड सेक्शन आएगा फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन और आगे चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस। यानी चैप्टर के आप तीन छोटे पार्ट मान सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन आगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन दैट मीन्स चाइल्ड बर्थ। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने एक यहाँ पर एक शॉर्ट डायग्राम डिनोट किया है, आप एनसीईआरटी से भी प्रॉपर डायग्राम देख सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हैं, एक ओवरव्यू डायग्राम मैं आपके सामने दे रही हूँ। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और ड्रॉ करिएगा, क्योंकि ये डायग्राम, अभी आगे हमारा कई दिनों तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलने वाला है, जब तक ये चलेगा तब तक के लिए आपका ये डायग्राम एक बेस होगा, सबसे फंडामेंटल पार्ट होगा ये डायग्राम। तो प्लीज इसकी तरफ फोकस करिएगा। मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को एक व्यू में दिखा रही हूँ आपको, पूरा ओवरऑल एक डायग्राम आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद एक एक पार्ट को अलग से हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम थोड़ा हाफ पार्ट में बना हुआ है, जैसा पार्ट इधर बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही पार्ट एक लेफ्ट साइड में भी होगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लीजिए कि जैसे मैंने राइट साइड में जो पार्ट बनाया है बिल्कुल वैसे इधर लेफ्ट साइड में भी एक पार्ट होगा। आप अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो एनसीईआरटी एक बार ओपन जरूर करिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू डायग्राम देखने के लिए। यहाँ पर जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम देखते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये एक पाउच लाइन स्ट्रक्चर है, ये एक पाउच लाइन स्ट्रक्चर है। इस पाउच लाइन स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटल सैक। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटल सैक, और इस स्क्रोटल सैक के अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर यहाँ पर एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, एक ओवल शेप का ये स्ट्रक्चर, प्लीज फोकस, इस ओवल शेप का ये स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। दैट मीन्स वन पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक एंड इट इंक्लूडेड अ ओवल शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड टेस्टिस। हियर टेस्टिस अटैच्ड विद स्क्रोटल सैक, testis attached with scrotal sac by this fibrous band. इस pouch-like structure से scrotal sac को जोड़ने के लिए ये fibrous band है, और इन fibrous band का नाम है guberniculum. इन fibrous band को हम बोलेंगे guberniculum. देन उसके बाद आप ध्यान से देखिए,
टेस्टिस जो ये ओवल शेप ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है, टेस्टिस से एक फोल्डेड, मैंने ब्लैक कलर की फोल्डेड इस तरह से आपको लाइन दिखाने की कोशिश की है, ये ब्लैक कलर की जो फोल्डेड लाइन है या जो ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है एपिडिडाइमिस। दैट मीन्स यू कैन से एपिडिडाइमिस कम्स आउट फ्रॉम टेस्टिस। एपिडिडाइमिस इज व्हाट? इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब, इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम टेस्टिस। नाउ यू कैन सी एपिडिडाइमिस फर्दर ओपन्स इन अ ब्लू ट्यूब। ये जो एपिडिडाइमिस यहां तक है वो स्क्रोटल सैक के बाहर जब आता है, ध्यान से देखिएगा, यहां तक ब्लैक लाइन है कॉइल ट्यूब एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस आगे जब बढ़ता है तो एक ब्लू कलर की ट्यूब में कंटिन्यू होता है जिसका नाम हमने दिया है वॉस डिफरेंस। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि टेस्टिस से बाहर एक कॉइल ट्यूब आएगी, कुंडलित नलिका आएगी जिसे बोलेंगे एपिडिडाइमिस, और वो जो एपिडिडाइमिस है वो आगे वापस से कॉइल ट्यूब में जाएगी। एक लंबी ट्यूब आप देखिए यहां से लेकर काफी आगे तक गया है जिसे हम नाम देंगे वॉस डिफरेंस। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का व्यू देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा डिनोट कर देती हूँ साइड में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने ऐसा देखा होगा कि ये किडनी, और किडनी से बाहर आते हैं यूरेटर, और ये यूरेटर ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर की ओपनिंग होती है यूरिथ्रा। बस छोटा सा व्यू मैं आपको दे रही हूँ। ये किडनी, किडनी से बाहर आते हैं यूरेटर जो यूरिन को लेके आते हैं, और यूरेटर ओपन्स इनटू द सैक विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, एंड ब्लैडर ओपन्स इनटू यूरिथ्रा, एंड ब्लैडर ओपन्स इनटू यूरिथ्रा। बस इतने व्यू को, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इतने व्यू को यहां पर फिर से दिखाया गया है। ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है विच इज कॉल्ड यूरेटर, किडनी वापस से मेंशन नहीं किया गया है, आपने लास्ट ईयर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, पर यहां पर फोकस करिएगा कि यूरेटर ओपन हो रहा है इस यूरिनरी ब्लैडर, यूबी मींस यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर ओपन्स इनटू दिस यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर से ये जिस छोटे से पॉइंट को हमने यूरिथ्रा बोला था, मेल में वो यूरिथ्रा पाइपलाइन काफी लंबी रहती है। सो यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इन दिस पाइपलाइन, ये यूरिनरी ब्लैडर यहां तक, प्लीज फोकस, यूरिनरी ब्लैडर यहां तक, और यूरिनरी ब्लैडर की ये ओपनिंग, ये लॉन्ग ओपनिंग, लंबी ओपनिंग, इस लंबी ओपनिंग को बोलते हैं हम यूरिथ्रा। ये नाम भी लिखा हुआ है पाइपलाइन के अंदर, तो यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो रहा है यूरिथ्रा में। इज दैट क्लियर? नाउ वॉस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस किस में ओपन हुआ था? वॉस डिफरेंस में। अब ये वॉस डिफरेंस, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और, स्क्रोटल सैक की पोजीशन है, टेस्टिस की पोजीशन कहाँ है? टेस्टिस की पोजीशन तो आप समझ ही रहे हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर है, लेकिन ये जो स्क्रोटल सैक है ये बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। ध्यान दीजिएगा, व्हाइल ऑल अदर रिमेनिंग ऑर्गन्स सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ज्यादातर हमारे बॉडी ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं, लेकिन टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक के अंदर पाया जाता है। इन मेल टेस्टिस ऑर्गन सिचुएटेड जस्ट आउट द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज इंक्लोज्ड बाय स्क्रोटल सैक। इज दैट क्लियर? तो ये जो स्क्रोटल सैक है और टेस्टिस है, इसकी पोजीशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। लेकिन ये टेस्टिस की जो जो ट्यूब है वॉस डिफरेंस, ये वॉस डिफरेंस कहां जाती है? वॉस डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा, ये वॉस डिफरेंस यहां पर यूरेथ्रा को क्रॉस करते हुए यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से एक लूप बना रही है। प्लीज फोकस द डायग्राम। ये जो वॉस डिफरेंस है, ये वॉस डिफरेंस यूरेथ्रा को कट करते हुए, कट मीन्स क्रॉस करते हुए, यूरेथ्रा को क्रॉस करते हुए ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के चारों तरफ से एक लूप बना रही है। ये देखिए यहां से, ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से एक लूप बनाते हुए आगे की ओर आई। जब ये लूप बना रहा है यहां तक ब्लू लाइनिंग तक, जब ये वॉस डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर को चारों तरफ से क्लोज करते हुए लूप बना रहा है, उस लूप में एक फूला हुआ पार्ट आता है, स्वेलन पार्ट।
ध्यान से देखिए, वॉस डिफरेंस ट्यूब है, यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ लूप बना रही है। लूप बनाते समय जब ये यूरिनरी ब्लैडर को से आगे की ओर कवर करती है, तो आप ध्यान से देखिए, ट्यूब जो भी इतनी डायमीटर था इसका, ट्यूब फूल गई है, ट्यूब स्वेलन हो गई है, और ट्यूब के वॉस डिफरेंस के फूले हुए भाग को बोलते हैं एम्पुला। दैट मीन्स एम्पुला इज कॉल्ड द स्वेलन पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस। नाउ एम्पुला कम्स आउट एंड कंटिन्यू, यहां तक एम्पुला आ रहा है, और उसके बाद एक दूसरी स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, मतलब मेल में पाई जाने वाली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, और इस ग्लैंड की एक डक्ट है, ये डक्ट है सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, और ये वॉस डिफरेंस का एम्पुला। यहां तक वॉस डिफरेंस का एम्पुला था, यहां से सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, दैट मीन्स अभी तक ये वॉस डिफरेंस और इधर से ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, दोनों डक्ट जुड़ गई, मतलब अब आगे दोनों की इंडिविजुअल ओपनिंग नहीं रही, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और एम्पुला दोनों एक कॉमन डक्ट के फॉर्म में आगे कंटिन्यू होंगी। सेमाइनल वेसिकल, यहां तक सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और यहां तक ये एम्पुला, अब ये दोनों जुड़कर, मैंने ध्यान से देखिएगा कलर चेंज किया है, ब्लू से मैंने ब्लैक किया है, ये ब्लैक कलर का एक कॉमन डक्ट, मतलब इसकी अपनी आइडेंटिटी और इसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, दोनों मिलकर एक ट्यूब बन गई, और उस ट्यूब का नाम है इजेक्यूलेटरी डक्ट। दैट मींस इजेक्यूलेटरी डक्ट इज द कॉमन ओपनिंग, फॉर व्हाट, सेमाइनल वेसिकल डक्ट एंड वॉस डिफरेंस, इज दैट क्लियर। नाउ इजेक्यूलेटरी डक्ट फर्दर ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, इजेक्यूलेटरी डक्ट में जो भी सिक्रीशन होगा, अच्छा इजेक्यूलेटरी डक्ट किसका किसका सिक्रीशन लेके आएगी, यहां पर टेस्टिस से जो भी सिक्रीट होगा वो एपिडिडाइमिस में आएगा, एपिडिडाइमिस का जो भी फ्लूइड होगा वो वॉस डिफरेंस में जाएगा, और वॉस डिफरेंस से ये एम्पुला, इधर ये ग्लैंड है, और ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड सिक्रीशन करती है, तो सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीटरी फ्लूइड होगा, और वॉस डिफरेंस ने जो भी टेस्टिस के थ्रू जो भी फ्लूइड लेके आया होगा, वो पूरा फ्लूइड कौन सी ट्यूब में आ जाएगा, इजेक्यूलेटरी डक्ट में, मतलब इजेक्यूलेटरी डक्ट में वॉस डिफरेंस के थ्रू लाया गया फ्लूइड और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, ये दोनों फ्लूइड एक साथ कहां डिस्चार्ज हो जाएंगे, इजेक्यूलेटरी डक्ट में। प्लीज फोकस, अब ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है ये कहां ओपन होगी, डायग्राम में थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इजेक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग होगी यूरेथ्रा में, इजेक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां हो रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये ओपनिंग यूरेथ्रा, यानी यहां पर जो भी फ्लूइड है सेमाइनल वेसिकल और वॉस डिफरेंस का, ये दोनों फ्लूइड का सिक्रीशन लेके आएगी इजेक्यूलेटरी डक्ट और कहां डाल देगी, यूरेथ्रा में डाल देगी, समझ पा रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और, सेमाइनल वेसिकल के अलावा मेल में दो और भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, एक ये ग्लैंड है ब्लैक कलर का, मैंने इस तरह से बनाया है ऐसे लाइनिंग करके, और इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रैकेट में मैंने वन लिखा है, वन क्यों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर वन है, ध्यान दीजिए डायग्राम में देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि तो दो है, दो नहीं है, ये सिंगल है, ये व्यू में ऐसा हाफ हाफ सेक्शन दिखाई दे रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के लूप बनाते हुए सिर्फ एक ही ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड है, ग्लैंड का काम है सिक्रीशन करना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन होगा, वो कहां डायरेक्टली मिल जाएगा, यूरिथ्रा में। अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे दो और ग्लैंड हैं, अच्छा ये दो ग्लैंड हैं अलग अलग, एक लेफ्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में, ये दो जिनको मैंने ब्लैक कलर से तो बनाया है लेकिन इनके अंदर लाइनिंग नहीं की है, ये दो और ग्लैंड हैं, और इन दोनों ग्लैंड का नाम है काउपर्स ग्लैंड, ब्रैकेट में मैंने दो लिखा है, दो का मतलब इनका नंबर होता है दो, तो काउपर्स ग्लैंड ये भी ग्लैंड है, ये भी फ्लूइड सिक्रेट करेगी,
और इसका सिक्रीशन भी कहां मिल जाएगा, यूरेथ्रा में। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, इजेकुलेटरी डक्ट ऑल्सो ओपन इन द यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो ओपन इन द यूरेथ्रा, काउपर्स ग्लैंड ऑल्सो ओपन इन द यूरेथ्रा। दैट मीन्स यूरेथ्रा वो पॉइंट है जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड हैं, टेस्टिस का जो भी डिस्चार्ज है, वो सब कहां पर डिस्चार्ज होगा, यूरेथ्रा में डिस्चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? नाउ आप ध्यान से देखिए। अच्छा एक पॉइंट यहां पर, मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था यूरेथ्रा इज द ओपनिंग फॉर यूरिन डिस्चार्ज, यूरेथ्रा से तो यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो भी रिप्रोडक्टिव फ्लूड है, टेस्टिस का जो भी फ्लूड जो वॉस डिफरेंस लेके आया, एम्बुला तक पहुंचाया, सेमाइनल ग्लैंड का जो भी रिप्रोडक्टिव फ्लूड है, वो दोनों का फ्लूड इजेकुलेटरी डक्ट कहां मिला दे रही है, यूरेथ्रा में। एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी कहां आ रहा है, यूरेथ्रा में। दो ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड, इनका सिक्रीशन भी कहां आ रहा है, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से ही ये ओवरऑल पूरा सिक्रीशन, रिप्रोडक्टिव फ्लूड बोल सकते हैं, ओवरऑल ये पूरा सिक्रीशन यूरेथ्रा से बाहर जाएगा। लेकिन यहां तो हमने पढ़ा था यूरेथ्रा से यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक पॉइंट नोट करिएगा, मेल में, ओनली फॉर मेल इट इज करेक्ट, इन मेल यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग, यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ यूरिन डिस्चार्ज एंड जेनिटल फ्लूड डिस्चार्ज। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहां से यूरिन भी डिस्चार्ज होता है और जहां से जेनेटिक फ्लूड, सॉरी जहां से जेनाइटल फ्लूड जो भी रिप्रोडक्टिव फ्लूड बनेगा, आगे इसका नाम है सीमेन बोलेंगे, वो भी डिस्चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? इसलिए आप ध्यान से देखिए, यूरेथ्रा का जो ये ओपनिंग पॉइंट है, प्लीज नोटिस, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग पॉइंट है इसे हमने नाम दिया यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, इसे हमने नाम दिया यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। मतलब यूरिन और जो भी जेनाइटल फ्लूड डिस्चार्ज होगा दोनों की कॉमन ओपनिंग है। इट इज करेक्ट ओनली फॉर मेल, केवल मेल में ही यूरेथ्रा यूरिन और जेनाइटल फ्लूड दोनों के डिस्चार्ज का एक कॉमन पॉइंट है। ओके अब आप ध्यान से देखिए, यूरेथ्रा जो पाइपलाइन है इसके चारों तरफ, यूरेथ्रा किसी एक ट्यूब के अंदर से पास हो रही है, ध्यान से देखिए, ये यूरेथ्रा जो है पाइपलाइन, यूरेथ्रा पाइपलाइन इस पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर से होकर यूरेथ्रा पास हो रही है। ये जो यूरेथ्रा है इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर से होकर पास हो रही है। ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये मेल का आउटर कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल का आउटर जेनाइटल पार्ट है, जिसे नाम दिया जाता है पेनिस। दिस इज द आउटर कॉपुलेटरी पार्ट ऑफ मेल विच इज कॉल्ड पेनिस। That means urethra pass out from penis. Now, penis का ये जो section है, ये जो upper part है, इसे बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक, ये ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक का जो part है उसे हमने नाम दिया body of penis, हमने नाम दिया body of penis, और penis का जो anterior part है, lower anterior part, इसे हमने नाम दिया glans penis, penis का जो निचला part है इसे हमने नाम दिया glans penis. Please focus. Penis is the cylindrical structure from where urethra pass out. Okay, and the upper section is body of penis and the lower part is glans of penis. Yeah, glans penis. The lower part is glans penis. Okay, and the junction between them, body of penis or glans penis के बीच का जो junction point है, this one is called corona glandis. This one is called corona glandis. The junction between body of penis and glans penis is called corona glandis. Okay? एक पॉइंट और नोट करिए, पेनिस का ये जो glans penis वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है glans penis वाला पार्ट, उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर इस तरह से एक ब्लैक कलर की पतली लेयर पाई जाती है। इस पतली लेयर को बोलते हैं प्रिप्यूस। That means you can say, अच्छा ये प्रिप्यूस क्या है, ये स्किन का बना हुआ लूज फोल्ड है, स्किन का बना हुआ लूज फोल्ड है। दैट मीन्स यू कैन से ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज स्किन फोल्ड, ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज स्किन फोल्ड एंड दिस लूज स्किन फोल्ड इज कॉल्ड प्रिप्यूस। प्रिप्यूस का एक और भी नाम है, मैं यहां साइड में लिख रही हूं,
प्रिप्यूस का एक और नाम है, इसको फोर स्किन के नाम से भी जानते हैं। प्रिप्यूस और फोर स्किन दोनों टर्म यूज करते हैं। क्या है प्रिप्यूस? इट इज द लूज स्किन विच कवर्स ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को कवर करने वाले स्किन का लूज लेयर क्या कहलाएगा? प्रिप्यूस। इज एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस डायग्राम? थोड़ा सा एक पॉइंट आपके दिमाग में और, क्योंकि ये जो पेनिस से जुड़ा हुआ ये जो पाउच स्क्रोटल्स है, मैंने सिर्फ एक आपको दिखाया है डायग्राम में, और जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट साइड में भी आप एज्यूम करिए या एनसीईआरटी का व्यू देख सकते हैं। तो जैसा स्ट्रक्चर इधर से जाएगा वन टेस्टिस, वैसे ही उधर भी एक टेस्टिस, जैसे इधर एपिडीडाइमिस वैसे उधर भी एपिडीडाइमिस, जैसे इधर वॉस डिफरेंस वैसे उधर भी वॉस डिफरेंस। जब यहां से वॉस डिफरेंस जा रहा है एम्पुला के साथ सेमाइनल वेसिकल बना रहा है, वैसे लेफ्ट साइड में भी एक सेमाइनल वेसिकल और बनेगी। दैट मीन्स सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है इसका नंबर भी कितना होता है? दो। तो मेल में तीन ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल जो नंबर में दो हैं, आप वन पेयर बोल सकते हैं, नंबर में दो या फिर वन पेयर। दूसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल है, एक ही है, दो नहीं है ये। और तीसरी ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड, ये भी कितनी होती है? दो। तो ये एक ओवरव्यू डायग्राम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब एक एक करके हम इन सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल करेंगे। प्लीज इस डायग्राम को ढंग से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये डायग्राम बहुत ही यूजफुल होगा। ये पूरे पार्ट्स अभी हमारे आगे के टॉपिक होंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्क्रोटल सैक, टेस्टिस, एपिडीडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सारे पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सारे पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इनकी एक लिस्ट बनाएं, तो उस लिस्ट में आप क्या क्या लिखेंगे? टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं वन पेयर। उसके बाद आप लिखेंगे स्क्रोटल सैक, एपिडीडाइमिस, वॉस डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर को शामिल नहीं करेंगे, यूरेट्रा एंड पेनिस। इसके अलावा तीन ग्लैंड, तीन टाइप की सेमाइनल वेसिकल जो कि नंबर में दो है, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में एक है, काउपर्स ग्लैंड नंबर में दो है। तो ये हमारे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू। इन सारे ऑर्गन मिलकर, सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ बनाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन इन सभी ऑर्गन्स में एक मेन ऑर्गन होगा, और वो मेन ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। वो मेन ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस को प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। टेस्टिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। व्हाई? बिकॉज गैमीट फॉर्मेशन कंप्लीट्स इन टेस्टिस। जो गैमीट फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो कहां कंप्लीट होती है? वो टेस्टिस में ही कंप्लीट होती है। इसलिए टेस्टिस को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन मानते हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी ऑर्गन, व्हाइल अदर ऑर्गन, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड एट सेकेंडरी ऑर्गन्स। टेस्टिस के अलावा बाकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपने देखे वो सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में मेंशन किए जाएंगे। एक पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो टेस्टिस है किसके अंदर है? स्क्रोटल सैक के अंदर दिखाई दे रहा है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। भाई ऐसा क्यों? सारे ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में आ रहे हैं, टेस्टिस ही एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों जा रहा है? इसका एक मेन कारण है, टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। और उस कम टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, कम टेम्परेचर एरिया लेने के लिए टेस्टिस कहां पाए जाते हैं? स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। इसके आगे हम अभी एक एक करके लिस्टिंग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, और फिर एक एक करके सारे ऑर्गन को और ज्यादा डीप से पढ़ेंगे। अभी हर एक ऑर्गन का डिटेल होना है, पर एक ओवरव्यू डायग्राम में आपको समझना जरूरी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन टेस्टिस होगा।